दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फूड ट्रैली, फूड ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल। दिस इज अनदर वीकेंड और आज है सैटरडे मॉर्निंग और सुमित फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ एनर्जी क्योंकि एक्सरसाइज खत्म हो चुका है जल्दी और घर भी साफ हो चुका है, तो फुल ऑफ एनर्जी है। और आज हम एक अच्छा वाला और एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने वाले हैं। दैट इज मूंग को क्या बोलते हैं, रेसिपी नहीं पता, मूंग दाल को जो छिलके वाला मूंग दाल, उसको पानी में भिगो के रखा गया है, उसको पीस लिया है, उसमें थोड़ा सा जिंजर और ग्रीन चिली ऐड करके उसको छोटा सा उत्तपम टाइप बनाएंगे एंड दैट विल बी आवर ब्रेकफास्ट। सिंपल मूंग दाल चीला बोल सकते हैं। हां, चीला भी बोल सकते हैं। ये जूस पीने वाली है और मैं दूध पीने वाला हूं उसके साथ। और सुबह सुबह सुमित पूरा घर घुमा के कुछ कुछ तो खुराफाती चल रहा है, तो वो घर में बैठ बैठ के बोर हो गया तो आइडिया कैसे लगाऊं, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के लिए सोच रहा था। लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं हो रहे तो घर पे ही चेंज करना चाहिए। थोड़े दिन में आपको पता चलेगा मैंने क्या क्या चेंजेस किया है। कुछ कुछ ऑर्डर किया है सुमित, और फ्री टाइम बैठते हो तो शॉपिंग करना स्टार्ट करो। जनरली कंप्लेन रहता है कि लड़कियां बहुत शॉपिंग करते हैं, पर हमारे घर में लड़का बहुत शॉपिंग करता है। शॉपिंग मेरा स्ट्रेस थेरेपी है, स्ट्रेस बस्टर है मेरा। जनरली वो लड़कियों का होता है, नहीं वो मेरा है। एक बार मैं शॉपिंग स्टार्ट करता हूँ मतलब बहुत बड़ा बड़ा बिल आता है। जब नहीं करता कुछ भी नहीं करता, लेकिन जब करूंगा, मुझे मूड खराब है तो मैं शॉपिंग बहुत करता हूँ। ओरिया में एक प्रोवर्ब है ना कि थिले बाकार और थिले समथिंग समथिंग। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि अभी देखो मुझे, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकता, सब बंद है, घूमने भी नहीं जा सकते, ड्राइव भी नहीं जा सकते, तो कुछ नहीं, तो क्या करूँ, तो स्ट्रेस बस्टर के लिए कुछ तो करना है, तो मेरा स्ट्रेस बस्टर है शॉपिंग। मुझे खाने में इतना इंटरेस्ट नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि जब से मैं डाइटिंग में हूँ मैं खाने में इतना ऑब्सेस नहीं हूँ, लेकिन आई डू शॉपिंग अलॉट। और अभी सोने पे सुहागा है कि इट्स नॉट शॉपिंग फॉर आवर क्लोथिंग्स एंड ऑल दैट, घर का एक्सेसरीज, घर को सजाना एंड ऑल दैट, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। अभी एक बेनिफिट भी है कि ई कॉमर्स नॉन एसेंशियल के लिए भी खुल गया है, खुल गया है, तो कल पूरा दिन मैं मनी हाइस्ट देख रही थी, मतलब काम भी कर रहे थे, काम करते करते मनी हाइस्ट में देख रही थी और सुमित शॉपिंग कर रहा है। मैसेज दिखा था, मैं ये ऑर्डर कर रहा हूँ और एंड में एक लंबा सा बिल मुझे दिखाया कि इतना बिल हुआ है। और क्या कर सकता हूँ, सबका कुछ ना कुछ स्ट्रेस बस्टर रहता है, तो मेरा ये है शॉपिंग। तो चलो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और शॉपिंग तो चलता रहेगा, जब आएगा तब दिखेगा। हाँ, आपको दिखाते हैं क्या क्या मैंने ऑर्डर किया है। और अभी सुमित नीचे ऊपर होता रहेगा क्योंकि वो तो होम डिलीवरी नहीं करते हैं। हाँ, वो नीचे डिलीवर करके चला जाए तो सिक्योरिटी से लेके ऊपर आना पड़ता, दैट्स ऑल। तो वो अप डाउन चलेगा, एक पूरा हफ्ता है कुछ ना कुछ डिलीवरी हफ्ते के लिए, कल से लेके नेक्स्ट वीक तक। संडे कुछ है, संडे से स्टार्ट होके नेक्स्ट वीक तक, मतलब थर्सडे फ्राइडे तक कुछ ना कुछ आने वाला ही है। तो और हम ना अनपैकिंग नहीं करेंगे, नेक्स्ट ब्लॉग में पूरा एक साथ रखेंगे, एक साथ आपको दिखाएंगे क्या क्या हमने लिया है। चलो कितना गप्पे मार रहे हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं। हाँ, ठीक है, चल के। तो अब बनाएंगे सुमित के लिए दूध। ये है वो मूंग का बैटर और आज बनेगा ग्रेप जूस। बन गया ब्रेकफास्ट और सुमित आज पूरा खुश हो गया क्योंकि वो एक बनाया है। हाँ, क्योंकि पहले हम गलती कर रहे थे, पहले तेल डाल के फिर बैटर डाल के घुमा रहे थे, इसलिए वो फट जा रहा था। और सुमित इतना खुश हो गया ये बनाने के लिए कि दूध को उबाल दिया और पूरा गैस का हल, दूध उबाल लिया लेकिन वो उतर गया। हाँ, मतलब स्पिल कर दिए। स्पिल नहीं किया मैंने, और क्या करते हैं, दूध उतर गया, उतर गया बोलते हैं। हाँ। okay. तो आ गया ब्रेकफास्ट टेबल पे, हेल्दी वाला ब्रेकफास्ट। और एक चेंज दिख रहा होगा सुमित के पीछे। हाँ। तो वो कैसे किए, क्या जब तक हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं वो आप देख के आओ। हाँ। वो भी बोरियत का नतीजा है, क्योंकि मैंने एग्जिस्टिंग जो पर्दा था हमारा बालकनी का, उसका एक
पीछे वाला पार्ट लेके मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। हाँ, वो पूरा क्लिप में रिकॉर्ड की थी तो आप वो देखिए, तब तक हम ब्रेकफास्ट करते हैं। जब घर पे कुछ काम नहीं होता है तो सुमित ऐसे काम फैलाता है। क्या कर रहे हो सुमित? थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ मैं। क्या मॉडिफाई करोगे? यहाँ डबल कर्टन था तो यहाँ का वो पिछला जो कर्टन था पतला वाला, उसको शिफ्ट करके उधर लगाऊंगा तो ये रूम एक कवर्ड रूम जैसा लगेगा। समझ में आया आपको क्या कर रहे हैं? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। सुमित कुछ तो एक कर रहा है, होपफुली ठीक ठाक हो जाए, पता नहीं। अब सोफा जो समझ में आया है कि पढ़े, उसको निकाल के सुमित फिक्स करेगा। कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरफ, सॉरी, ये पूरा हो जाएगा। तो दिखाती हूँ आपको सोफा। अभी तो पूरा घर फैला हुआ पड़ा है और ये कर्टन्स निकालने के बाद कितना अजीब लग रहा है ना सुमित, ये पूरा खाली खाली। तो उसके लिए नया कर्टन लाएंगे या यही वाला एडजस्ट करोगे? इसी को एडजस्ट करो। तोड़ मत देना, अभी कोई नहीं मिलेगा का। नहीं, क्यों तोड़ना? पता नहीं, एक काम करने के लिए जाते हो दूसरा लेके बैठ जाते हो। नहीं, केयरफुल। यू नीड हेल्प? नहीं, ओके, तोड़ना मत कुछ भी। लगा लगा लगा। परफेक्ट परफेक्ट। ये फाइनल लुक है इस विंडो का, बालकनी का। हाँ, बालकनी भी बड़ा वाला विंडो ही है सुमित, नहीं? What's the difference? विंडो के बाहर हम नहीं जा सकते, बालकनी के बाहर हम जा सकते हैं। ओके, सरेंडर। बालकनी का विंडो का नया लुक है। ठीक है, अभी मैं और एक सेटिंग करने वाला हूँ। ठीक है, और सुमित सीरियस क्या कर रहा है पता नहीं, कुछ देख रहा है, मेजरमेंट क्या कर रहे हो? सोच रहा है। कोई कुछ अच्छा सा खाना बना रहा है सुमित। यही वाला अच्छा दिखेगा सुमित, ऐसे कॉरिडोर बन गया यहाँ पे, गेस्ट बेडरूम से मास्टर तक। एक वर्चुअल सेपरेशन जो हम चाहते हैं। हाँ, फाइनली इतने सालों के बाद। पर्दा है पर्दा, वो गाना गाएंगे यहाँ पे अभी। नाइस, ये बहुत अच्छा प्रश्न। अच्छा, तो लॉकडाउन में किसी को सर्विस चाहिए तो सुमित अवेलेबल है, प्लीज रीच आउट टू हिम। और चार्जेस क्या है सुमित? चार्जेस मुफ्त, 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 मुफ्त।
क्योंकि सुमित के पास बहुत टाइम है, उसका टाइम नहीं जा रहा है, इसीलिए मुफ्त है। और क्या है? और ये लॉक्स लगे। ओ तो अभी पूरा रूम ऐसे दिखता है, यहाँ से ऐसे पूरा स्क्वायर में। तो दोस्तों होपफुली आपको ये नया सेटअप अच्छा लगा होगा जो मैंने कल बनाया था। और ये कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, जरूर बताइए। और भी चेंजेस होने वाले हैं कमिंग डेज में। तो आज का ब्लॉग इतने में खत्म करते हैं, मिलता है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। और ऐसे कुछ छोटे मोटे चेंजेस करते रहो, अच्छा लगता है। बाय।